दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची तो इस पर हंगामा भी हुआ और सवाल जवाब भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। आजादी सुनसान सड़क पे, आजादी सुनसान सड़क पे, आजादी कॉलेज में मांगे, आजादी ऑफिस में मांगे, आजादी। देश के नामी विश्वविद्यालय जेएनयू कैंपस में छात्रों के बीच मारपीट हुई। इस हिंसा के विरोध में कई लोग खड़े दिखाई दिए। और इन लोगों की सूची में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम भी तब शामिल हो गया जब वो जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच जेएनयू कैंपस पहुंची। तस्वीर देखिए, हालांकि ये तस्वीरें साफ नहीं है लेकिन दीपिका को देखा जा सकता है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जब से जेएनयू छात्रों के समर्थन में आई है सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर बहस छिड़ी हुई है। मंगलवार को दीपिका 10 मिनट के लिए जेएनयू छात्रों का समर्थन करने के लिए जेएनयू पहुंची थी। एक और जहां बी टाउन स्लैब ने दीपिका के इस कदम को साहसी बताया है, वहीं अभिनेत्री पायल रोहतगी ने दीपिका पर निशाना साधते हुए उन्हें इडियट बताया। पायल रोहतगी ने दीपिका को लेकर ट्वीट किया और लिखा, जहां दीपिका के पिता ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते, दूसरी तरफ दीपिका भारत को तोड़ने वाली फोर्स के साथ खड़ी है। आखिरकार दीपिका ने ये साबित कर दिया कि वो आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड है। उधर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने दीपिका के जेएनयू में जाकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने पर नाराजगी जताई है। बग्गा ने ट्वीट कर लिखा, दीपिका की आने वाली फिल्म छपाक का बॉयकॉट करें, प्रदर्शनकारी आजादी की मांग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और अफजल गैंग को समर्थन देना गलत है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन की बात कही। उधर दिल्ली में बीजेपी के नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने दीपिका पादुकोण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, दीपिका पादुकोण जी कभी 1984 कत्लेआम के पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिली, मध्य प्रदेश में सिखों पर हुए अत्याचार पर कभी कुछ क्यों नहीं बोला, ननकाना साहिब में हुए हेट अटैक पर एक ट्वीट भी नहीं किया, पर आज पब्लिसिटी पाने के लिए आप जेएनयू पहुंच गई। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन दीपिका पादुकोण के जेएनयू छात्रों के समर्थन में खड़ा होना कई जिम्मेदारों को अखर रहा है। बॉलीवुड में दीपिका के जेएनयू जाने को साहसिक कदम बताया जा रहा है तो कोई दीपिका को इडियट कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।